तो शीट नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल जिसका मास 5 kg है। तो मुझे तो एक बात समझ में आ रही है, ये पार्टिकल है जिसका मास 5 kg है, ये रहा। इज एट रेस्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ओरिजिन पे पड़ा हुआ है और ये रेस्ट पे है। इट इज एक्टेड अपॉन टू फोर्सेज F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। तो इसके ऊपर दो फोर्सेज लग रही हैं, एक F1 वेक्टर और एक F2 वेक्टर। F1 वेक्टर कहाँ लग रही है? ऊपर। F2 वेक्टर कहाँ लग रहा है? ये रहा। दोनों इकट्ठी लग रही हैं, दोनों इकट्ठी लग रही हैं। और जब ये दोनों इकट्ठी लगती हैं तो क्वेश्चन है, एक ये पार्टिकल कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन A वेक्टर एक्सपीरियंस करता है ऐसे। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं दो दो फोर्स लगाऊं इकट्ठे और मेरा पार्टिकल यहां चलना शुरू कर दे, तो मतलब रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर यहां कहीं लगा होगा, क्योंकि दो फोर्सेस लगी F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट F1 वेक्टर F2 वेक्टर यहां लगा होगा, इसीलिए ये बॉडी 5 kg यहां चल रही है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो F1 वेक्टर F2 वेक्टर का रिजल्टेंट ये रहा, तो नेट एक्सेलरेशन इसकी तरफ है। और मैं इतना भी समझता हूं कि वेक्टर क्वांटिटी में ये F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर कैन बी रिटन एज m इंटू ए वेक्टर, सब वेक्टर में चल रहा है, तो F1 वेक्टर F2 वेक्टर का जो वेक्टर सम है m इंटू ए वेक्टर होगा, राइट? अब ए वेक्टर क्या होगा, या ए वेक्टर से भी पहले वो कह रहा है कि एक तीसरी फोर्स है F3 वेक्टर इज रिक्वायर्ड टू मेक एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जीरो। वो कह रहा है कि तीसरी फोर्स एक और लगाओ F3 वेक्टर, ताकि ये पार्टिकल इधर ना जा सके, पार्टिकल रेस्ट पे हो जाए। तो बस मुझे पहले ये बताओ वो F3 वेक्टर कहां लगेगा? ऑपोजिट ऑफ F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। बिल्कुल सही, वो एग्जैक्टली यही लगेगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि ये जो फोर्स यहां लग रही है इसको कैंसल कर जाए मेरा F3 वेक्टर और पार्टिकल मूव ना कर सके। क्या ये बात समझ में आ रही है कि F3 वेक्टर कहां लगेगा? इन दोनों का वेक्टर सम तो यहां लगेगा, अगर मैं ये नहीं लगाता तो पार्टिकल यहां जाता है, पर अगर मैं यहां फोर्स ऑपोजिट लगा दूंगा इसके इक्वल, तो मेरा पार्टिकल मूव नहीं करेगा। तो मुझे बताना है F3 वेक्टर क्या है। एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन 10 है, इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे 10 कॉस थीटा और इस तरफ कितना 10 साइन थीटा। तो क्या मैं ऐसा करूं, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, मास 5 है, एक्सेलरेशन की जगह 10 कॉस थीटा आई कैप प्लस 10 साइन थीटा जे कैप, सही है यहां तक? तो एक कॉम्पोनेंट x के अलोंग एक्सेलरेशन, एक y के अलोंग है, तो x के अलोंग आई कैप लिख दिया, y के अलोंग जे कैप लिख दिया। अब क्वेश्चन में आपको साइन थीटा पता है, क्वेश्चन में कॉस थीटा भी पता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, F1 वेक्टर F2 वेक्टर का सम आएगा 5 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 आई कैप, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 जे कैप। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं, इन दोनों का वेक्टर सम जो आएगा वो आएगा 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। क्या ये स्टेप क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब मुझे ये बता दो कि अगर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इस तरफ है तो F3 वेक्टर कहाँ होगा? इन दोनों के ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब जो F3 वेक्टर है इन दोनों का नेगेटिव वेक्टर होगा, यानी कि माइनस ये लो तो क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। माइनस लगा दो, क्योंकि इसकी डायरेक्शन F3 वेक्टर की कहाँ होगी, F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर के ऑपोजिट होगी। तो आपने क्योंकि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर निकाल लिया, तो F3 वेक्टर को एग्जैक्टली माइनस लगा के ऑपोजिट कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक? F3 वेक्टर कैसे आएगा, ये आंसर क्यों मार्क किया, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेगेटिव क्यों लिया, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे पास एक शॉर्टकट, एक और भी तरीका है, और तरीका ये है, आप ऐसा करो फिर, अगर नहीं समझ में आ रहा, टोटल जो फोर्स है दैट इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इनका वेक्टर सम क्या आना चाहिए, जीरो, तभी पार्टिकल किस पे आएगा, एट रेस्ट। तो F3 वेक्टर
इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ वन वेक्टर एंड ये लो, तो जो एफ वन वेक्टर पे एफ टू वेक्टर है उसको यहाँ पुट कर दो, माइनस लगा के आंसर आ गया, एक ही बात है। वैसे तो ओरली पता लग ही रहा है, नहीं लग रहा तो यहाँ से कर लो। तो मेथड सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें, कोई डाउट इसमें? मुझे ये फील आ रहा है कि ये कहीं वेक्टर का फोर्स, तो फोर्स का क्वेश्चन तो है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन ही वेक्टर का है। और ऊपर से एक और कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में, क्या इसमें एफ वन वेक्टर दिया क्यों है, काम ही नहीं आया एफ वन वेक्टर काम ही नहीं आया। ये एफ वन वेक्टर तब काम आता जब ये मुझसे एफ टू वेक्टर पूछता क्या है, पूछा ही नहीं, पूछा ही एफ थ्री है तो मुझे चाहिए ही नहीं, मेरी तरफ से वैल्यू रख लो, नहीं चाहिए। ठीक है, यहां तक उल्टा कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट कर रहा है, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने किया और हो गया, हो गया, समझ में आ गया कैसे? तो ठीक है, हो सारे देख रहे हैं आपको, तीनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, अच्छी बात है। वो कहते हैं फिर तुम्हें कैसे पता लगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी इससे, मतलब तुमने आंसर जज कैसे कर लिया? कहाँ एक्सटर्नल, ये फोर्स एक्सटर्नल ही है एफ वन, ये सब दीज थ्री आर एक्सटर्नल फोर्सेस, ये तो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। ट्राइंगल लॉ, देखो देखो मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट आप सबको देख रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, वो सोच नहीं पा रहे कि इनको कैसे पता लग रहा है कि ये तीन फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट करती हैं, इकट्ठी एक्ट करती हैं, और एक बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर। ये फोर्सेस लगने के बाद बॉडी में क्या आनी चाहिए, एक्सेलरेशन। तो ये सोच रहे हैं कि वेलोसिटी को तो चेंज होना बनता है, लेकिन आंसर ये है वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन है। अब आपकी एक्सप्लेनेशन ये मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक इंटरनल फोर्स है, नहीं एक्सटर्नल फोर्स है, तो फिर अगर तीन तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं हो पा रही? चलो मैं आंसर देता हूँ, आप पहले मुझे ये बताओ ये तीन फोर्सेज का नाम रखो पहले, इसका नाम है एफ वन वेक्टर, इसका नाम है F2 वेक्टर, इसका नाम है F3 वेक्टर, ठीक है? ये तीन फोर्सेस इकट्ठी एक्ट कर रही हैं, राइट? ट्राइंगल लॉ में बोलो कौन रिजल्टेंट है इसमें? कितने बोलते, कौन बोला है ही नहीं, है ही नहीं, तो ठीक बोला, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं है? क्योंकि रिजल्टेंट के लिए ऑपोजिट ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक दो और तीन सेम ऑर्डर है, तो ट्राइंगल लॉ लग नहीं सकता। समझ में आ रहे हैं यहां तक? चलो अगर मैं काम करूं इस वेक्टर की डायरेक्शन उल्टा कर दूं तो साइन क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव। तो डायरेक्शन रिवर्स करने से साइन नेगेटिव। अब बोलो रिजल्टेंट कौन है? माइनस एफ थ्री, क्योंकि ये वेक्टर कैसे है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक दो और ये ऑपोजिट, तो यानी कि माइनस एफ थ्री वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ एफ वन वेक्टर एंड, सही है, इसका मतलब एफ वन वेक्टर, एफ टू वेक्टर एंड एफ थ्री वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आएगा? इसका मतलब नेट फोर्स क्या है, नेट एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो वेलोसिटी चेंज कैसे होगी? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, ऑल नेट फोर्स इज जीरो, तो बॉडी विद अ वेलोसिटी वी वेक्टर विल रिमेन इन वी वेक्टर, तो आंसर वी वेक्टर ही रहेगा, कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो से एक्सेलरेशन जीरो आएगी। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, ठीक है, लो क्या आंसर मार्क करना पसंद करोगे? क्या आंसर मार्क करोगे? डी, डी, सी। चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये हेलीकॉप्टर ना ऐसे नहीं उड़ रहा,
ये हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ रहा है, पंखा ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे उड़ेगा तो ऐसे उड़ जाएगा, इसको सामने जाना है, ये ऐसे उड़ रहा है तो पंखा ऐसे टेढ़ा घूम रहा है। अब क्वेश्चन है कौन सी इसमें जो फोर्सेस हैं इस हेलीकॉप्टर को देखते हुए क्या करेक्ट ऑप्शन है। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। वेट हेलीकॉप्टर का कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। चलो इसमें भी नीचे, इसमें नीचे, इसमें नीचे, इसमें नीचे, तो ये फोर्स फैसला नहीं कर पाएगी, तो मैं एलिमिनेट कर नहीं पाया कुछ भी। चलो दूसरी, ड्रैग, ड्रैग समझते हो, फोर्स ऑफ ड्रैग का मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ड्रैग मीन्स फ्रिक्शन, एयर की फ्रिक्शन। तो जब हेलीकॉप्टर आगे जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ करेगी, पीछे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हमेशा ऑपोजिट है, ड्रैग हमेशा ऑपोजिट होता है, तो फ्रिक्शन कहाँ करेगी, पीछे। ये हो नहीं सकता, डायरेक्शन के ऑपोजिट होनी चाहिए, इसमें है ही नहीं, तो फिर क्या बना, ये दोनों। तो आंसर सी और डी में से है। तीसरा, पंखे की फोर्स, रोटर, रोटर, रोटर जो घूम रहा है उसके ऊपर, देखो हेलीकॉप्टर का प्रिंसिपल है कि जब पंखा घूमेगा तो हवा नीचे फेंकेगा, हवा उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाती है, रिएक्शन लगाती है जिसे हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ जाता है। तो अगर हेलीकॉप्टर इधर जा रहा है तो उसने हवा पीछे फेंकी होगी एंगल थीटा पे, तो उसको इधर की फोर्स मिली, और इधर फोर्स के मिलने से तभी हेलीकॉप्टर इधर उड़ पा रहा है। अगर यहाँ फोर्स लेते हैं, नीचे फोर्स ले लेते हैं, तो फिर हेलीकॉप्टर आगे कैसे जा रहा है। एक फोर्स तो कम से कम आगे होनी चाहिए जिसे हेलीकॉप्टर आगे जा रहा है, और वो फोर्स कौन है, रोटर की फोर्स है, दोनों में ऊपर है, ये भी फैसला नहीं कर पा रही। तो तीन फोर्स से तीनों, दोनों में सेम है, एक एक्स्ट्रा फोर्स है एम में। तो कितने लोग बोलते हैं कि ये करेक्ट या ये करेक्ट, अच्छा ये करेक्ट नहीं तो करेक्ट क्यों नहीं, लोग पूछेंगे आपसे, हेलीकॉप्टर आगे जा रहा है उसकी फोर्स एम इन टू ए तो होती है, तो फिर ये क्यों नहीं लगाया, एम ए क्यों नहीं लगाया, लगेगा एम ए, तो डी आंसर आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। चलो आप अपने जितनी कॉपी खोल के देख लो, जब से फोर्स स्टार्ट हुई हमने कनेक्टेड मोशंस किए, जो भी क्वेश्चन किया, कितने क्वेश्चंस के अंदर आप चेक करके बता दो मैंने अपने क्वेश्चन के अंदर वेक्टर ड्रॉ किया हो एम ए, एक में भी नहीं, एक में किया सूडो फोर्स में सिर्फ, नहीं तो मैंने नहीं किया, चेक कर लो। लेकिन आपने कहा न्यूमेरिकल में तो यूज किया, बड़ी में से छोटी फोर्सेस, मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ न्यूमेरिकल में यूज किया, लेकिन मैंने डायग्राम में बिल्कुल भी यूज नहीं किया। आप चेक कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम किसी ब्लॉक का ले लें, एम जी माइनस टी इज एम ए, लिफ्ट का ले लें, एन माइनस एम जी इज एम ए, पर मैंने डायग्राम में कभी एम ए शो नहीं किया, हमने कभी डायग्राम में एम ए फोर्स शो नहीं की। एम ए फोर्स सिर्फ एक ही केस में शो की जाती है, जब क्या लगती है बॉडी के ऊपर, सूडो फोर्स, और एक हेलीकॉप्टर अपने ही ऊपर सूडो फोर्स नहीं लगाता। तो अगर ये सूडो फोर्स का वेक्टर है तो ये अपने ऊपर तो लगाएगा नहीं, तो एम ए तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। कुल मिलाकर तीन ही फोर्सेस ऐड करेंगी, इसका रिजल्टेंट हेलीकॉप्टर को आगे लेके जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन नहीं मार्क करना, एम ए नहीं मार्क करना इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक है।